आज फोर्थ डे लास्ट डे है मेघालय में। आज एक्सप्लोर करेंगे शिलांग बारापानी, जिसका टाइमिंग है एमटीडीसी ऑफिस से 8:30 मॉर्निंग को और रिटर्न टाइम है 2:30 डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक। शिलांग लोकल एक्सप्लोर करने के लिए टोटल 8 लोकेशन है, जिसके चार्जेस है 400 रुपीज़ पर पर्सन बस के, जो कि 2x2 बस है। मॉर्निंग को 7 बजे में चेकआउट करके जोस्टल से निकल पड़ा हर बार की तरह पुलिस बाजार के लिए। पुलिस बाजार में मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा एमटीडीसी टूरिज्म ऑफिस के लिए। ये रहा एमटीडीसी का टूरिज्म ऑफिस का लैंडलाइन नंबर। 3 नंबर मैंने और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है एमटीडीसी टूरिज्म ऑफिस के लिए। नई वीडियो और नई लोकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज शिलांग ऑफिस में। आज मेरा ट्रिप लोकल एक्सप्लोर करने का है शिलांग का। मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये लोकेशन जो है मेघालय टूरिज्म वालों की, ये पुलिस बाजार से लगभग 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में है। हम पहुँच गए हैं पहली लोकेशन लेडी हैदरी पार्क, जो कि 2 किलोमीटर है पुलिस बाजार से। लेडी हैदरी पार्क को फोन नोंगलाइट पार्क भी बोलते हैं। इस पार्क के अंदर फूलों के बगीचे और छोटी सी झील है। इस पार्क का नाम असम के राज्यपाल की पत्नी लेडी हैदर के नाम पर रखा गया है। जब आप इस पार्क में कदम रखते हैं तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान आकर्षित करती है वह ये है कि ये पार्क एक जापानी शैली के बगीचे के रूप में बनाया गया है। इस पार्क के अंदर मिनी जू, चिड़ियाघर और चिल्ड्रन पार्क भी है। इस पार्क के अंदर एक छोटी सी झील भी है, जिसके बीच में बतखें और रंग बिरंगी मछलियां हैं। इस पार्क के अंदर एक चेस ग्राउंड भी है। हमारी इस ट्रिप की सेकंड लोकेशन कैथेड्रल चर्च, ये मेघालय की सबसे बड़ी चर्च में से एक है। अभी हम निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन शिलांग पीक के लिए। शिलांग पीक शिलांग बस स्टैंड से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो आप राइट साइड में लाइन देख रहे हैं, यहाँ से हमने शिलांग पीक के लिए एंट्री टिकट और टैक्सी नंबर लेना है और शिलांग पीक की एंट्री है 50 रुपीज़ पर पर्सन। शिलांग पीक का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक और वेडनेसडे को क्लोज रहता है। शिलांग पीक में एंट्री के लिए आपको ओरिजिनल आईडी चाहिए। फॉरनर को यहाँ पे अलो नहीं है। इस लोकेशन में एंटर करते समय हर एक को अपना आईडी कार्ड दिखा के एंटर करना पड़ता है और बुधवार को बंद रहता है। इस लोकेशन में एंटर करते समय भारतीय वायु सेना का एक रिडार स्टेशन भी है। शिलांग पीक 1965 मीटर की ऊँचाई पर शिलांग पीक शिलांग का सबसे ऊँचा स्थान है। इस क्षेत्र में विदेशियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना द्वारा नियंत्रित है। शिलांग पीक पूरे शिलांग शहर का, आसपास के झरने, हिमालय पर्वत, बांग्लादेश के मैदान और आसपास की हरी भरी हरियालियों का मनमोहक 360 डिग्री व्यू प्रस्तुत करता है। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे पर्यटकों के लिए खूबसूरत दृश्य देखने के लिए एक दूरबीन उपलब्ध है, जिसके चार्जेस हैं 20 रुपीज़। यहाँ पे आप लोकल ड्रेस डाल के फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।
एलिफेंट फॉल मेघालय के अपर शिलांग में शिलांग शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य की राजधानी शिलांग के बाहरी इलाके में स्थित एलिफेंट फॉल की यात्रा के बिना आपकी मेघालय जाने की खोज पूरी नहीं होगी। खासी में एलिफेंट फॉल का नाम है शेद लाइव पटेंग, जो कि 3 लेवल पर पानी गिरता है। एलिफेंट फॉल हाथी के आकार की चट्टान, जिसके नाम पर अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था, 100 साल से भी अधिक पहले एक भूकंप में नष्ट हो गया था। एलिफेंट फॉल में एंट्री करते समय आपको कुछ स्नैक्स और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें मिलेंगी। उमियाम झील शिलांग बस स्टैंड से 17 किलोमीटर की दूरी पर उमियाम झील शिलांग मेघालय में स्थित एक विशाल और खूबसूरत झील है। उमियाम लेक की एंट्री 50 रुपीज़ पर पर्सन है। इसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये मेघालय की खूबसूरत झीलों में से एक है। उमियाम झील का नाम 1960 में असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा उमियाम नदी पर बांध बनाकर किया गया था। 220 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील विशाल घास के मैदानों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस झील में आप कयाकिंग, वाटर साइकिलिंग, बोटिंग एंड स्कूटी का आनंद ले सकते हैं। और बोटिंग का टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। शाम को आप सनसेट का खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। हमारी जो 2 लोकेशन है, वर्ड्स लेक और स्टेट म्यूजियम, जो कि आज ट्यूसडे था और नेशनल हॉलीडे भी था, ये दोनों लोकेशन आज बंद थी। और शाम को सनसेट भी जल्दी हो गया, जो कि टाइमिंग 4:30 था, इसलिए हम गोल्फ कोर्स भी नहीं देख पाए। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।